छोटे शेयर ऊंची छलांग, ऐसे कौन से शेयर हैं जो कि बड़ी बड़ी छलांग लगा रहे हैं? अंशुल जी, एक काउंटर है बीएससी का, सिमरन फार्म्स। इस कंपनी के नतीजे आए और नतीजे जब आए थे तो ये काउंटर करीब 160-170 का चल रहा था और केवल 3-4 ट्रेडिंग सेशन में लगातार बढ़ता हुआ ही चला जा रहा है। आप इसका मूव देखिए, केवल अगस्त महीने में यहाँ पर 150 के नीचे था ये काउंटर, अब 260 के ऊपर है और आई थिंक 4-5 ट्रेडिंग सेशन में ही ये 100 रुपये से ज़्यादा चल गया। क्या क्या करना चाहिए इसमें? देखिए विवेक जी, पहले तो ये बीएससी ओनली लिस्टेड काउंटर है तो पंप एंड डंप की पॉसिबिलिटी काफी हाई हो सकती है, लेकिन रिजल्ट इसका बहुत अजीब रिजल्ट आया है, लगभग बहुत वॉलेटाइल रिजल्ट है। पहले जून 23 में 1.8 का ईपीएस रिपोर्ट किए थे, सितंबर में 7.5 हो गया, दिसंबर में 9 रुपए का लॉस पोस्ट किए थे, मार्च में 50 पैसे का गेन था और जून में 23 रुपए का, 1000% का, और सेल्स कंटिन्यूअसली ग्रोथ होती रही है। तो इतना वोलेटाइल अर्निंग कंटिन्यूअस सेल्स ग्रोथ में कुछ ना कुछ मतलब मेरे को मतलब मैं कंफर्ट बता नहीं देता दे हूँ रहा। अंशुल जी, मैं बता देता हूँ, ये जितनी भी कंपनीज हैं हैचरी से जुड़ी हुई, इनका जो फीड स्टॉक होता है, भले ही वो वैंकीज हो, सिमरन फार्म हो, एसकेएम एगो, इन सभी कंपनीज के साथ एक ही पैटर्न रहा कि इनका जो रॉ मटेरियल था वो बढ़ गया। रॉ मटेरियल वैसे तो ये एनिमल्स को ही बड़ा करते हैं, लेकिन उनके जो फीड कराने का जो प्रोसेस है, जो फीड जो स्टॉक होता है, वो प्राइस बढ़ गए थे, जिसकी वजह से इन ये कंपनियां घाटे में आ गई या मामूली मुनाफे में थी। अब चूंकि वो प्राइजेस थोड़े से ईज आउट हुए तो इन कंपनीज को फ़ायदा होना शुरू हो गया। सर, अब बताएं चार्ट। तब उस हिसाब से ये रिजल्ट जस्टिफाइड दिख रहे हैं और चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट है। प्रॉब्लम स्टॉक में आपको एक ही आएगी कि 50 डे एवरेज वॉल्यूम स्टॉक का केवल 10,000 शेयर का है, तो थोड़ा सा लिक्विड काउंटर है, बट 264 का इसका 264 270 इसके बेस का हाई है, 270 के ऊपर एक कैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा जिसका टारगेट लगभग लगभग 450 रुपए आता है। तो अगर ये इलिक्विड काइंड ऑफ काउंटर है, आप 1000-2000 शेयर लेके छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, 440 आते हुए दिख रहा है, 270 रुपए निकलते ही से ब्रेकआउट बन जाएगा, बट इतना इलिक्विड काउंटर थोड़ा सा अगर ले सकते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि 2-3 दिन में अगर वॉल्यूम देखें तो 1.5 लाख का है, लेकिन एवरेज 50 डे का एवरेज वॉल्यूम केवल 10,000 शेयर का है। जी, अवंती फीड्स पर भी अपनी राय दे दीजिए, क्योंकि उसी सेगमेंट से जुड़ी लगभग ये कंपनी है। 100 शेयर हैं, एक हमारे दर्शक हैं इंद्रजीत जी, उनके पास 690 रुपये के प्राइस के, क्या करना चाहिए सर इनको? देखिए अवंती फीड में बजट के टाइम से रिकमेंड करते आ रहा हूँ, इसमें 750 दिन का बेस ब्रेकआउट था 633, बजट के दिन भी हमने रिकमेंड किया था, उस दिन 16-17% स्टॉक चला था, ऊपर में हमको 950 से 1000 ये स्टॉक आता हुआ दिख रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक कर रहा है, तो फ्रेश बाइंग यहाँ पे की जा सकती है। अगर आपके पास नहीं है तो करेंट मार्केट प्राइस से बाई करके चल सकते हैं, केवल एक काम करना है कि अब यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको लगा लेना है 650 का क्लोजिंग बेसिस पे, ऊपर 950 से 1000 रुपए का प्राइस आपको मिल सकता है। राहुल दास जी का सवाल है इमामी पर, 821 रुपये के इन्होंने लिए हुए हैं, होल्ड करें क्या? इन्होंने एचडीएफसी स्काई की कॉल देखी थी 917 रुपये के टारगेट के लिए। हालांकि राहुल जी, उसमें एक टाइम ड्यूरेशन भी दी जाती है कि कितने समय तक आपको होल्ड करना है, वो भी पक्का बताया गया होगा, लेकिन मैं फिर भी टेक्निकली इसका पैटर्न चेक करा लेता हूँ। सर, इमामी पर कैसा पैटर्न बनना है? देखिए इमामी में 685 दिन का बेस ब्रेकआउट आया था 580 रुपए में, जिसका टारगेट लगभग 950 रुपए है, अभी एक राउंड ऑफ कंसोलिडेशन में है, 20 और 50 डे मूविंग एवरेज कैचअप करने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा सा और एक आध हफ्ते का समय लग सकता है, बट इवेंचुअली ये स्टॉक 845 जैसे ही निकालेगा 950 के टारगेट अपने अचीव कर लेगा। आपको एक काम करना है कि केवल अब यहाँ से स्टॉप लॉस लगा के चलना है, 760 के नीचे अगर क्लोज करता है तो ये स्टॉक वीक होगा, तब आपको एग्जिट करना पड़ेगा, नहीं तो हाई लाइकली है कि 950 मिल जाएगा आपको, प्रोबेबली 4 से 6 हफ्ते के अंदर में 950-950 का टारगेट मिल जाएगा। जी, सोनाली मोहपात्रा जी का सवाल है साउथ इंडियन बैंक और यस बैंक पर, क्या करना चाहिए सर? देखिए यस बैंक के साथ भी वही दिक्कत है जो वोडाफोन आइडिया के साथ है,
इसमें फ्री फ्लोट बहुत बड़ा है और अब शायद लॉक इन भी खुल गया है जो बैंक्स ने इनको बचाया था, तो वो धीरे धीरे करके सप्लाई मार्केट में दिख रही है। स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था लेकिन उतना चला नहीं। 28 रुपए निकलता है तो स्टॉक में मोमेंटम बनेगा 39-40 तक के लिए, तो अगर आपके पास है तो होल्ड कर सकते हैं, नहीं है तो 28 रुपए के ऊपर बाय रिकमेंडेड रहेगा। लेकिन अब हम इस स्टॉक को अपनी अवॉइड लिस्ट में डाल चुके हैं, उसकी वजह यही है कि परसेंटेज ऑफ फ्री फ्लोट टोटल कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऐसे स्टॉक्स को चलना। साउथ बैंक रिलेटिवली थोड़ा सा वीक लग रहा है लेकिन करेक्शन ऑलमोस्ट पूरा कर चुका है, एक बार बाउंस बैक कर सकता है 30 रुपीज तक, तो अगर आप बाउंस बैक प्ले करना चाहते हैं तो 28 और 30 के लिए प्ले कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से अवॉइड की सलाह रहेगी। जी, एक हमारे दर्शक हैं ईज माई ट्रिप पर अपना सवाल पूछा है। ईज माई ट्रिप इनके पास 39 और 40 की रेंज पर है। सर क्या करें, ये काउंटर तो चलता ही नहीं है। देखिए थोड़ा सा इसमें भी वही दिक्कत है जो बाकी काउंटर्स में पीएसयू में हम डिस्कस करते आ रहे हैं। नवंबर 2022 में स्टॉक ने बाइंग क्लाइमेक्स बनाया था, समवेयर अराउंड जो हाईस बने थे 73 के अराउंड। अब देखिए 73 से जो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि 80% चांस होता है कि 50% करेक्ट करेगा, इस स्टॉक 35 रुपए आ चुका है, 50% करेक्ट कर चुका है अपने हाई से और उसी में बेस बना रहा है। अब बेस का हाई भी 55 रुपए पे है, तो ये अभी और कम से कम 2 से 3 साल और समय लगाएगा इसी रेंज में, 54 से लेके 36 35-36 की रेंज में, तो 35-36 पे लेके 54 में बेच सकते हैं। अगर रेंज प्ले करना है तो रेंज के लोअर एंड पे लेके अपर एंड पे बेच लीजिए। मेरी सलाह रहेगी कि 2-3 साल इस स्टॉक को छोड़ दीजिए, जब 54 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट आएगा बड़े बेस का तब इस स्टॉक को बाई करेंगे, तो 100-125 रुपए तक के टारगेट मिलेंगे, बट वो बेस कंप्लीट होगा, ब्रेकआउट देगा, उसके बाद जो आइडियल सिनेरियो है वो अभी के लिए तो 2 साल दूर है, तो अवॉइड की लिस्ट में डालूंगा मैं इस स्टॉक को। जी अंशुल, ये काउंटर देखें एंजल ब्रोकिंग, आज इस काउंटर पर बेहतरीन मूव देखने के लिए मिल रहा है, 9% ऊपर। जनरली इतना तेज मूव नहीं मिलता है इस काउंटर पर। ये जुलाई के फर्स्ट वीक में ये काउंटर गिरा था जब ब्रोकिंग को लेकर एक सेबी की तरफ से कुछ बात आई थी कि डिस्काउंट ब्रोकिंग में कुछ आप नहीं दे सकते हो सर्विसेज, कुछ इस तरह की बातें थी और ये काउंटर सारे ही डिस्काउंट ब्रोकिंग वाले टूटे थे। उसके बाद आज पहली बार ये 2500 की रेंज पर आया, कहाँ तक जाता हुआ दिख रहा है? देखिए इसमें 74 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया था 1940 ऑड लेवल्स पे, उसी को रीटेस्ट करने आया था, लगभग रीटेस्ट करके अब वापस फ्रेश ब्रेकआउट अप मूव दे रहा है, तो यहाँ से स्विंग हाई 2680 तक आ जाएगा। 2680 निकालता है और सस्टेन करता है तो फिर 3350 के टारगेट बनेंगे। ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग काउंटर है स्पेस में, एडलवाइज और IIFL सिक्योरिटी ये ज्यादा अच्छे आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, तो ये काउंटर्स हमने अपने क्लाइंट को रिकमेंड किए हैं, एडलवाइज और IIFL सिक्योरिटी आज ही हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हैं। जी, तो रिलेटिवली एडलवाइज़ और IIFL ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, आदेश जी बठिंडा से। आदेश जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। सर गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास ना जुपिटर वैगन के 25 शेयर हैं 600 रुपए के, और मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है, अभी मुझे पूछना था कि इसमें और अभी एवरेज करें या थोड़ा होल्ड करें और नीचे आने की संभावना। जी अंशुल जी, PSU में तो आपने सेल बोल दिया और आपने रेलवे और डिफेंस से भी दूर रहने की सलाह दे दी, लेकिन जो जो प्राइवेट कंपनीज हैं जुपिटर वैगन जैसी, इनसे भी दूर रहना है या इनमें कुछ व्यू अलग है? इसमें भी बाइंग क्लाइमेक्स कंप्लीट हुआ है और नियर अबाउट अभी कंप्लीट हुआ है, 750-750 के लेवल पे, और अब 20-50 डे मूविंग एवरेज जो है वो नेगेटिव क्रॉस ओवर दे चुका है। यहाँ से स्टॉक एक बार के लिए पुल बैक आपको जरूर देगा 580 से 600 रुपए तक के बीच में, वहां पे क्लियर कट एग्जिट कर लीजिएगा। वहां से जब नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव आएगी स्टॉक में, हाई लाइकली है कि 400 और 380 ये जो प्राइस बैंड है यहाँ पे टेस्ट करता हुआ दिखेगा, तो सेल ऑन रैलीस वाला काउंटर है, 600 पे एग्जिट करना है। यहाँ पे एवरेज या बाउंस बैक के लिए लॉन्ग प्ले की सलाह नहीं है, जो है आपके पास उसको रखिए, 600 के पास एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। जी कुछ एक और छोटे शेयर जिन पर की हम बात करेंगे, मोरपैन लैब। इस काउंटर पर जनरली मूव देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन जब भी कोविड या एमपॉक्स, मंकी पॉक्स इस तरह की बातें आती हैं, इस काउंटर पर मूव बनने लगता है। एक साल में तो 86% बढ़ा है, लेकिन अगस्त महीने में इसमें कुछ ट्रैक्शन आ रहा है। अंशुल जी क्या करें इस काउंटर पर? नहीं ठीक है, हमने अपने क्लाइंट्स को प्रीवियसली रिकमेंड किया था जब ब्रेकआउट आया था,
ऑफ लेट जो परसों वाला मूव था, कल वाला मूव था, ये हमसे मिस हुआ है। बट स्टॉक में एक बढ़िया ब्रेकआउट आया है और इसमें 539 डेज का एक बेस ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के बाद वापस से 40-45 दिन कंसोलिडेट करके बेस ऑन बेस बनाया है। हाई लाइकली है कि 94-95 तक ये स्टॉक निकल जाएगा। आज के सेशन में तो शायद ये साइडवेज इनसाइड बार रह जाएगा, तो कल के सेशन में हम ब्रेकआउट पे स्टॉक को वापस बाय रिकमेंड कर सकते हैं 72 के ऊपर। तो प्रीएम्प्टिव लेना है तो आज के सेशन में ले सकते हैं। मोमेंटम चाहिए तो 72 के ऊपर लॉन्ग कीजिएगा। आपको 94-95 प्रोबेबली ब्रेकआउट के बाद 4 से 6 हफ्ते लेगा स्टॉक, बट 94-95 का लेवल दे देगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक अच्छे लेवल सभी भी बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। काइटेक्स गारमेंट, ये कंपनी जनरली चलती नहीं है इजीली, और जब चला तो ज़बरदस्त चल रहा है ये काउंटर। आप देखिए, बांग्लादेश में प्रॉब्लम हुई और इसके लिए वरदान हो गई। अगस्त महीने में ही ये काउंटर करीब 200 रुपये से 350 रुपये चल चुका है, ऑलमोस्ट 150, करीब 150 रुपये ये काउंटर इस मंथ में चला है। क्या करना चाहिए अंशुल जी? देखिए विवेक जी, इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि हमने 5 जुलाई को 5 जुलाई को अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था 216 रुपए के भाव में। हमारा पहला टारगेट 260 का था जो कंप्लीट हुआ है, उसके ऊपर हमको 400 रुपए तक लग रहा है। बट आज के सेशन में जो सेलिंग, जिस हिसाब से हाई वॉल्यूम पर सेलिंग आई है, अब हम अपने क्लाइंट्स को प्रॉफिट बुक करके एग्जिट रिकमेंड कर रहे हैं। क्योंकि ऊपर जाने के लिए 6 रुपए बचा था हमारे टारगेट से, और नीचे आने के लिए अब अगर 20-डे मूविंग एवरेज भी टेस्ट करने नीचे आता है तो 280 तक नीचे आ सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड अब फेवरेबल नहीं रह गई थी, तो हमने 390 के अराउंड प्रॉफिट बुकिंग रिकमेंड की है। अगर पुल बैक लेता है तो 20-डे मूविंग एवरेज तक पुल बैक लेगा, जो समवेयर अराउंड 280 तक कैचअप कर लेगा, तो 280 रुपए आ सकता है ये स्टॉक। अगर आपके पास है तो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। अंशुल जी, आप जल्दी भोपाल से आप आकर अपने काम पर लग जाइए। आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में। आपने रिलायंस लिया हुआ है, रिलायंस में तो आपको हार्डली 8 या 10% का ही मूव मिल रहा है, लेकिन जिस तरह के आप काउंटर बता रहे हैं कि मैंने लास्ट वीक रिकमेंड किया, अभी 2 दिन पहले रिकमेंड किया, उन काउंटर्स पर मूव इतने आ रहे हैं कि एक एक दो दो दिन में आपके 1 साल के रिटर्न को पूरा कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग सर, सुजलॉन, ये काउंटर भी कुछ इसी कैटेगरी का रहा है। इसने एक या दो इन्वेस्टर को नहीं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को अमीर बनाया, और एक ज़माना था जब इसने गरीब भी बहुत बनाया था, लोगों की वेल्थ डिस्ट्रॉय की थी, लेकिन अब बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएशन की है। कैसे लगता है आपको अब ये काउंटर? देखिए विवेक जी, एक मैं आपको सीक्रेट रिवील कर देता हूँ आपके दर्शकों के लिए, कि अगर आपको बड़े मूव चाहिए, 25-30% के या उससे बड़े मूव चाहिए और शॉर्ट टर्म में चाहिए, तो हमेशा स्टॉक का फ्री फ्लोट देखा कीजिए, वो 5-6 करोड़ से कम होना चाहिए। तो मेरी जो पूरी वॉच लिस्ट बनती है, जिसको मैं स्कैन करता हूँ या मैं जिसमें रिकमेंड करता हूँ, वहां पे आप देखिए हमेशा फ्री फ्लोट कभी भी चेक करेंगे तो 95% स्टॉक्स ऐसे होंगे जिनके फ्री फ्लोट 5-6 करोड़ से कम होंगे। क्योंकि अगर फ्री फ्लोट 5-6 करोड़ से कम है तो ब्रेकआउट के बाद 25% का मूव बहुत तेजी से स्टॉक लेता है, लगभग 3 से 4 हफ्ते में। तो मैं अपनी वॉच लिस्ट को उसी हिसाब से बना के रखता हूँ कि फ्री फ्लोट जब भी 5-6 करोड़ के ऊपर जिस स्टॉक का निकला उसको बाहर कर देता हूँ अपनी वॉच लिस्ट से, इसलिए तेजी से मूव आती है। इसमें मेरा ऐसा कोई रोल नहीं होता है कि मेरे कहने पर चल जाता है, ये आइडियल मार्केट में पैटर्न है कि अगर फ्री फ्लोट कम है स्टॉक का तो मूव उतनी तेजी से आती है। दूसरा, सुजलॉन आपने डिस्कस किया, आप ही के प्लेटफॉर्म पे जब ये 56 रुपीज ब्रेकआउट दे रहा था, बेस ऑन बेस पैटर्न का 98 डेज का बेस बना था, उसके ऊपर 19 दिन का बेस ऑन बेस बना था, 56 का ब्रेकआउट था। विपुल जी के साथ मैं शायद लाइव था तब हमने रिकमेंड किया था, 64 पहला टारगेट था, 74 दूसरा टारगेट था, और 90 रुपए तीसरा टारगेट था। ये हाई बनाया है इमीडिएट बेसिस पे 84 रुपीज का, वहां से कंसोलिडेशन में गया है। 20-डे मूविंग एवरेज कैचअप होने में इसको भी 8 से 10 दिन और लगेगा। अगर ये साइडवेज रह के होल्ड करता है तो हाई लाइकली है कि 90 रुपए ये स्टॉक अपने टारगेट को ना सिर्फ टेस्ट करेगा बल्कि सरपास करते हुए 99 तक भी जा सकता है। तो अब आपको केवल एक काम करना है कि अगर है तो 73 रुपीज के स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड कीजिए और कुछ समय स्टॉक को दीजिए 3-4 हफ्ते का, हाई लाइकली है कि 90 को सरपास करके 99 तक आ जाएगा। जी, एक दर्शक हैं, उनका सवाल है सूर्य रोशनी पर, ये पूछ रहे हैं कि इसमें क्या टारगेट रखना चाहिए। काफ़ी समय बाद सूर्य रोशनी बजिंग होने में आ रहा है दर्शकों के बीच में। देखिए सूर्य रोशनी में भी अब आप देखेंगे तो सिमिलर चीज है, मार्केट कैप इसका 7,500 करोड़ का है, 30% का फ्री फ्लोट है, यानी 2,2100 करोड़ का फ्री फ्लोट है।
इस स्टॉक में ब्रेकआउट आया है 695 रुपीज पे आज के सेशन में। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो हाई लाइकली है कि ये 20-22% का मूव आपको आराम से देते हुए 836 रुपए के अपने टारगेट्स कंप्लीट करेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि जो प्रीवियस सेल ऑफ आई थी इसमें जनवरी फरवरी में, उसको एब्जॉर्ब करने में इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है और मार्केट को भी आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ऐसे ब्रेकआउट्स में जनरली अवॉइड करने की सलाह दे रहा हूँ। जो स्टार्टिंग में हमारा डिस्कशन हुआ था कि ब्रेकआउट आपको प्ले करना है तो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में प्ले कीजिए। इसमें ब्रेकआउट जरूर है लेकिन ये आउट परफॉर्मिंग वाली कैटेगरी में नहीं है, इसलिए ये ब्रेकआउट में अवॉइड की सलाह दूंगा। बट अगर आपको प्ले ही करना है तो ब्रेकआउट है 695 के ऊपर, 836 का टारगेट दिख रहा है। अंशुल जी, ओला इलेक्ट्रिक, इस पर काफ़ी सवाल आ रहे हैं दर्शकों के, और जब से IPO लिस्ट हुआ काफ़ी अच्छे रिटर्न भी देने में कामयाब रहा। आज शायद पहला ऐसा दिन है जहां पर कि ये अपनी ओपनिंग तो अच्छी की, कुछ देर सस्टेन किया लेकिन फिर रेड मार्क में आ गया। कैसे देखना चाहिए आज के मूव को? देखिए, ओला इलेक्ट्रिक से अब आप एग्जिट कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जोमेटो का चार्ट खोल के देख लीजिए IPO के बाद उसका प्राइस एक्शन क्या था। इसी तरीके से स्टॉक 140-150% ऊपर गया था और फिर उतना ही वर्टिकली नीचे भी करेक्ट करके बड़ा बेस बनाया था, उसके बाद बड़ी मूव दिया है। तो वही पैटर्न रिपीट होते हुए दिख रहा है और आज के सेशन में ऐसा लग रहा है कि ये टॉप आउट हुआ है, तो आपको एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। ये हो सकता है वर्टिकली ड्रॉप करे और जोमेटो की तरह पूरा बेस बनाए और उसके बाद चले, तो आई वुड सजेस्ट कि आप आउटराइट एग्जिट कर लीजिए स्टॉक से। जी, एक काउंटर आज लिस्ट हुआ है, सरस्वती साड़ी डिपो, इसके बारे में बताएं सर। एक दर्शक पूछ रहे हैं क्या करें। और देखिए, IPO है, मेरे पास डेटा इसका आप बिल्कुल नहीं है, और IPO ठीक ठाक लिस्ट हुआ है तो आप जनरली IPO ठीक लिस्ट होता है तो आपको 2 से 3 दिन होल्ड करना चाहिए और उसके बाद धीरे धीरे अपनी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। हर 5%-8% मूव पे 20% क्वांटिटी खाली कीजिए। तो उसी हिसाब से सरस्वती साड़ी में मैं कहूंगा कि आप होल्ड कीजिए 2 से 3 दिन और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि अगर ये नीचे आना स्टार्ट होता है तो फिर बुक करना चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से लिस्टिंग हुई है एटलीस्ट 3 डेज आपको होल्ड करना चाहिए IPO को। 3 दिन होल्ड कर सकते हैं आप, और मूव में आने के बाद उसके बाद प्रॉफिट बुक कर भी करना चाहिए। नेक्स्ट काउंटर है अर्जुन सिंह जी का, अशोक लेलैंड पर, कोचिन शिपयार्ड पर। अर्जुन जी, हम काफ़ी बार ये कोचिन शिपयार्ड आज डिस्कस कर चुके हैं, आप वीडियो को पीछे जाकर देखेंगे तो कोचिन शिपयार्ड पर आपको आंसर मिल जाएगा। अशोक लेलैंड पर सवाल ले लेते हैं सर, अशोक लेलैंड पर आपका सजेशन क्या है? देखिए, अशोक में चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑटो इंडेक्स में 17 महीने में 121% की रैली रही है। फर्स्ट मंथ ऑफ करेक्शन है और मुझे यहाँ से 3 से 4 महीने इंडेक्स साइडवेज लग रहा है। तो इंडेक्स में चर्निंग होगी, कुछ स्टॉक्स ऊपर जाएंगे कुछ नीचे जाएंगे। तो जो कुछ ऊपर जा सकते हैं उनमें से एक अशोक लीलैंड है, यहाँ से 290-295 तक जा सकता है स्टॉक। करंट मार्केट प्राइस पे प्रीएम्प्टिव बाई कर सकते हैं, 262 पे ब्रेकआउट बाई कर सकते हैं विद अ व्यू ऑफ 290-294 ऑड लेवल्स, जो प्रोबेबली 3 से 4 हफ्ते लेगा स्टॉक अचीव करने में। तो इस स्टॉक को बाई करके चल सकते हैं। मारुति थोड़ा सा दबता हुआ दिख रहा है, M&M थोड़ा सा चलता हुआ दिख रहा है, तो कुछ काउंटर्स दब रहे हैं कुछ चल रहे हैं। उसमें चलने वालों में से अशोक लीलैंड और टाटा मोटर्स दिख रहा है, तो आउट परफॉर्मिंग यही दो हैं, इन दो में लॉन्ग पोजिशंस ले सकते हैं। जी, अनिल कुमार जी बोल रहे हैं, नमस्कार सर, Money9 मेरा पसंदीदा चैनल है। अनिल जी शुक्रिया, बोल रहे हैं गार्डन रीच के मेरे पास 23 शेयर हैं, 2350 पर लिया था, 10,000 का लॉस हो रहा है, अब क्या करें? अंशुल जी, मुझे पता है आपने तो सेल बोल ही दिया है और डीप सेल बोला हुआ है, लेकिन 10,000 रुपये, अब केवल मामला ये आता है कि 10,000 रुपये रिकवर कैसे होंगे सर? वो शेयर बता दीजिए जो इनकी वैल्यू से 10,000 रुपये रिकवर कर दे। देखिए, इस स्टॉक से तो आपको इमीडिएट एग्जिट करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत नीचे आता हुआ दिख रहा है। और अगर आप थोड़ा सा रिस्क टेकर हैं, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप स्ट्रांग हार्टेड प्लेयर्स के लिए है, वहां पे रिवर्सल बड़ी तेजी से आता है, और अगर आप स्टॉप लॉस काटने में थोड़े से कमजोर हैं तो मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस आपके लिए नहीं है। अगर मिड कैप स्मॉल कैप आप वो वोलेटिलिटी झेल सकते हैं तो IIFL बहुत अच्छा लग रहा है फिलहाल के लिए, यहाँ से 15-20% की अपसाइड दिख रही है। एडलवाइस ले सकते हैं, ये दो स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। PC ज्वेलर और TBZ ज्वेलरी स्पेस में अच्छे लग रहे हैं। बट चूंकि आपको देख के मुझे लग रहा है कि आप जब GRSE काटने में आपको इतनी दिक्कत हो रही है, तो मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस आपके लिए नहीं है, आपके लिए लार्ज कैप स्पेस है। आप हिंद पेट्रो बाई करके चलिए, बजाज फाइनेंस ले लीजिए। बजाज फाइनेंस रिलेटिवली सेफेस्ट काउंटर है, लोएस्ट रिस्क पे खड़ा हुआ है, यहाँ से 1,000 रुपये 800-1,000 रुपये ऊपर जा सकता है। तो बजाज फाइनेंस ले लीजिए या फिर HDFC बैंक ले लीजिए,
डाउनसाइड बहुत प्रोटेक्टेड है और अपसाइड लगभग लगभग 800 रुपये 900 रुपये बजाज फाइनेंस में है और 400 रुपये की लगभग 350 400 रुपये की अपसाइड HDFC बैंक में है। तो ये दोनों काउंटर आपके लिए हैं क्योंकि आपके मतलब जो बॉडी लैंग्वेज या जिस हिसाब से आपने सवाल पूछा है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस काटने में हिचकेंगे, तो आपके लिए रिलेटिवली सेफ काउंटर ज़्यादा बेटर रहेगा HDFC बैंक और बजाज फाइनेंस, इन दो पे आप फोकस कीजिए। जी अंशुल जी, कुछ एक पावर काउंटर्स पर बात करूंगा, जीनस पावर और आरटीएन पावर। पहले जीनस पावर पर बात करता हूँ, कैसा दिख रहा है चार्ट पैटर्न पर? देखिए जीनस पावर हमारी एक्टिव कवरेज में है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, हमने अपने क्लाइंट्स को बाय दिया था, इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हो चुकी। हाँ प्रॉफिट बुकिंग भी आज सुबह ही प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी थी हमने। 13% अपसाइड सुबह 9:22 पे 420 रुपये में प्रॉफिट बुकिंग दी है। 13% हमारी बाई प्राइस से बढ़ चुका था, 12:08 को हमने बाई दिया था स्टॉक। तो जीनस पावर ओवरऑल हमको 540 जाते हुए दिख रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में 5 से 8 दिन में 10% बढ़ा है, इसलिए हमने प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी है। नेक्स्ट राउंड ऑफ कंसोलिडेशन में हम वापस से ब्रेकआउट पे बाई रिकमेंड करेंगे, ओवरऑल 540 आता हुआ दिख रहा है। दूसरा आरटीएन पावर हमारी लिस्ट में नहीं है, इस टाइप के काउंटर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है एग्जिट लेने में क्लाइंट्स को, तो हम रिकमेंड नहीं करते हैं। लेकिन इसमें भी लग रहा है कि बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, स्टॉक में डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि अप कैंडल्स पे वॉल्यूम कम है, डाउन कैंडल्स पे वॉल्यूम ज्यादा है, तो मैं इसको अवॉइड की सलाह दूंगा। अगर आपके पास है तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है 14 रुपए 80 पैसे का, एक बार ऊपर में 17 रुपए 90 पैसे जा सकता है, वहां पे एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। जी अंशुल जी, आपकी रडार पर कौन से शेयर हैं? IIFL और OMC तो आपने बताया, सर वो काउंटर बताइए जो कि 10-12% जो आप बता रहे हैं ना कि बार बार कि हमारे दर्शकों को हमने 12 तारीख को बताया, 20 तारीख को प्रॉफिट बुक कराया, सर ऐसे दो काउंटर चाहिए जो कि आज 20 तारीख को दिलवाएं और 25-30 तारीख तक हम ऐसे ही रिटर्न पर बात कर रहे हों। देखिए गोकुल एग्रो एक शेयर है जिसमें भी वर्टिकल मूव आना स्टार्ट हुई है। आज सुबह मैंने अपने क्लाइंट्स को स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, 235 में रिकमेंड किया है 224 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस से, और टारगेट हमको लग रहा है कि ये 10% बढ़ के 256 आपको प्रोबेबली 4 से 5 सेशन में दे सकता है, तो ये एक काउंटर मेरे को अच्छा लग रहा है। दूसरा दौलत एल्गो ये भी हमने अपने जी क्लाइंट्स को स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, सुबह रिकमेंड किया है 152 रुपए में, 150 के आसपास स्टॉक चल रहा है, इसको भी बाई करके चल सकते हैं। 148 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है और उसके बाद से 60-70 दिन बेस ऑन बेस पैटर्न भी बन चुका है, तो ये स्टॉक अगर चला तो 30% का मूव आपको आराम से दे सकता है। टोटल मार्केट कैप ही इसका 2600 करोड़ है, जबकि मैं फ्री फ्लोट ही केवल 5000 करोड़ के नीचे लेता हूँ, तो ये इसका मार्केट कैप ही 2500-2600 करोड़ है, तो 30% चलना स्टॉक के लिए बड़ी बात नहीं है। 150 रुपए में अगर बाई करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस होगा 145 रुपए क्लोजिंग बेसिस पे, और इमीडिएट टारगेट आपका होगा 166 रुपए जो 10% है उसके ऊपर निकलता है, तो 180 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। जी, तो यहाँ से 20% का मूव दौलत एल्गो एक काउंटर है और गोकुल एग्रो दूसरा काउंटर है। मतलब गोकुल एग्रो सर ने पहले बताया था लेकिन अभी जो बात कर रहे थे वो था दौलत एल्गो। इस काउंटर का जो अभी का रेट आ रहा है वो 150 रुपये का है और अंशुल जी का मानना है कि ये काउंटर 166 और 180 ये दो लेवल्स को टच कर सकता है। 145 मात्र 5 रुपये का स्टॉप लॉस और 30 रुपये का अपसाइड, तो ये तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से काफ़ी शानदार कॉल कही जा सकती है। अंशुल जी कुछ डिस्क्लेमर देना चाहते हैं? जितने भी ओवरऑल आपने काउंटर्स पर बात की, वैसे तो आप हर काउंटर के साथ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे देते हैं। देखिए विवेक जी, दोनों काउंटर में स्टॉप लॉस जो है इंट्राडे बेसिस पे नहीं है, क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा कि इन लेवल्स के नीचे ओके क्लोज तो ही स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, इंट्राडे बेसिस पे नहीं होगा। दूसरा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये दोनों सुबह हमने अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया है, और बाकी जितने काउंटर्स थे लगभग साथ ही साथ मैंने डिस्क्लेमर दे दिया था। तो पर्सनल पोर्टफोलियो में मेरे सिर्फ रिलायंस है और कुछ नहीं है इस समय, लेकिन क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में लगभग जितने आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं क्लाइंट के पोर्टफोलियो में जरूर होंगे। बिल्कुल अंशुल जी, आप हमारे साथ जुड़े, सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। धन्यवाद भैया।